गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के इंतजार खत्म होगा। भव्य प्रतिमा देखे के बाद कैसा महसूस हो रहा? देखिए, ये बहुत लंबे अंतराल का एक इंतजार था, जो कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए श्री राम प्रभु ने अयोध्या नगरी में जो चरण डाले थे अपने, और एक विवादित ढांचे की वजह से ऐसी दिक्कतें पैदा हुई थी। श्री राम दरबार अखिल भारतीय आर्यभट्ट द्वारा ये कार्यक्रम यहाँ कराया जा रहा है। पावन धाम अयोध्या में श्री राम लला सरकार जी विराजित हो चुके हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूजा कर रहे हैं। हम सब लोग उत्सव मना रहे हैं। प्रभु श्री राम के ये प्रतिमा दिखे के बाद कौन मिला कर ला? बहुत सुंदर लग रहा है। बहुत सुंदर भगवान की झांकी है। उनकी छवि को क्या कहना है। प्रभु श्री राम के 500 वर्षन के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के इंतजार खत्म होगा। अब भव्य मंदिर अयोध्या में निर्मित हो रहा है। यह दौरान जो है राम भक्तन खितिर या एक अलौकिक दिन से कम नहीं है। अपना देख सके थे, मौजूद हैं रीवा के पचमठा में, जहाँ उप मुख्यमंत्री, सांसद, कलेक्टर, एसपी सब जने मौजूद हैं। प्रभु श्री राम के दिव्य दर्शन कह रहे हैं और भारी संख्या में आए थे राम भक्त मौजूद है। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम करी तिवारी प्रपंच का सभी जने का प्रणाम करी थे, शुरुआत करी थे बातचीत करे के मन के भाव लेके। यह बताई कि 500 वर्षन के प्रतीक्षा खत्म हो रही है और आज के दिन प्रभु राम के यह भव्य मूर्ति, भव्य प्रतिमा दिखे के बाद कैसा महसूस हो रहा? देखिए, ये बहुत लंबे अंतराल का एक इंतजार था, जो कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए श्री राम प्रभु ने अयोध्या नगरी में जो चरण डाले थे अपने, और एक विवादित ढांचे की वजह से ऐसी दिक्कतें पैदा हुई थी, और आज 500 साल बाद एक ऐसा ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक दिन आया है कि रामलला अपने घर में फिर विराजमान हुए हैं। और इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, बस यही कहा जा सकता है कि आज सनातन धर्म की जीत हुई है और श्री रामलला अपने वास्तविक स्थान पर विराजमान हुए हैं। अपना का कहा भैया, श्री राम नाम सबके ऊपर लगा रहे हैं। श्री राम दरबार अखिल भारतीय आर्यभट्ट द्वारा ये कार्यक्रम यहाँ कराया जा रहा है। पावन धाम अयोध्या में श्री राम लला सरकार जी विराजित हो चुके हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूजा कर रहे हैं। हम सब लोग उत्सव मना रहे हैं। 550 वर्ष के बाद हमें अवसर आया है, हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। सबके श्री राम चिन्ह लगा रहे हैं। जय श्री राम। प्रभु श्री राम के प्रतिमा दिखेन को मेला गल्ला के? अति सुंदर, अद्भुत प्रतिमा है। अद्भुत है, अति सुंदर है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। चलिए, तब प्रभु के जो है कहा थे वर्णन, हरि अनंत हरि कथा अनंत, मतलब जा पर कृपा राम करें, ओ पर कृपा करें सब कोई, तो राम के कृपा जो है जन जन में हो रही है और राम के भव्य प्राण प्रतिष्ठा यह कार्यक्रम के ऐतिहासिक साक्षी बन रहा है। पूरा रीवा के पचमठा के या द्वार, पूरा विश्व, पूरा भारत के रग रग में राम बस गए हैं। कहा कहा बहुत अद्भुत है। हमारे अयोध्या में हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा आज रामलला पधारे हैं, उनके रीवा की ओर से बहुत बहुत ढेर शुभकामनाएं। आपको भी बहुत ढेर राम भगवान का दिखन। हाँ, दिखन बहुत अच्छा लगा। कौन में है प्रतिमा? कौन में है? बहुत अच्छी है प्रतिमा, बहुत अच्छी। चलिए, अपना कहा आज जीवन धन्य होगा। बहुत ईश्वर की कृपा से आज साक्षी बने के मौका मिला। जय श्री राम, जय श्री राम, बस जय। अपना का कहा प्रभु श्री राम के यह प्रतिमा दिखे के बाद कौन मिला कर ला? बहुत सुंदर लग रहा है। बहुत सुंदर भगवान की झांकी है। उनकी छवि को क्या कहना है। 500 वर्षन के लंबा इंतजार खत्म था। हाँ, ये बहुत दिनों बाद ऐसा आनंद भगवान का आया है। अयोध्या कब है जा? अयोध्या जी तो अब काम तो यही पचमठा में ही है। प्रभु के जो कहा जाए
यह मतलब वो प्रतिमा देख के लागत है कि मन मोहित हो जाए और वह प्रतिमा माँ जो है जैसा कि देख रहे हैं हम कहते हमारे सहयोगी वो प्रतिमा देखा मैं जहाँ प्रभु श्री राम के यह भव्य जो रामलला की मूर्ति है स्थापित हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरती कह रहे हैं, साथ में संघ प्रमुख मोहन भागवत, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यह जहां मौजूद हैं या रीवा के पचमठा आश्रम है जहां यह भव्य दरबार सजा है, जहां अयोध्या से लाइव पूरी तरह से यहां प्रभु राम के राम भक्त दर्शन कह रहे हैं। तो रग रग में अब राम बच चुके हैं, तो आप और अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल, धन्यवाद।